चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता में वापसी हो गई है और इसी के साथ एक बार फिर वहां कोरोना वाला कर्फ्यू भी वापस आ गया है। कोरोना कंट्रोल के नाम पर करीब करीब आधे चीन को घरों में कैद कर दिया गया है। चीन के 152 शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन की 28 करोड़ आबादी घरों में कैद है। शी जिनपिंग को खुश करने के लिए उनके कमांडरों ने लॉकडाउन लगा दिया है। सड़क पर पुलिस मुस्तैद है और घर के बाहर निकलने की हिमाकत करने वालों को टॉर्चर किया जा रहा है। वुहान समेत चीन के 152 शहरों में कोरोना के कहर को रोकने के लिए ऐसे ही सख्त पहरा लगाया गया है। हाल ये है कि कई बड़े शहरों में लोग खाने के सामान की किल्लत से परेशान होने लगे हैं। इतना ही नहीं, घरों में कैद लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। चीन में इस सख्ती का सीधा कनेक्शन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक बड़े ऐलान से जुड़ा है। अपने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले शी जिनपिंग ने साफ कर दिया था कि सरकार जीरो कोविड में कोई कोताही नहीं बरतेगी। तानाशाह शी जिनपिंग के इस आदेश के बाद चीन की पूरी मशीनरी जीरो कोविड पॉलिसी को सख्ती से लागू करने की मुहिम में जुट गई है। लोगों को जबरन घरों में कैद किया जाने लगा है। शॉपिंग मॉल बंद कराए जाने लगे हैं, बाजार बंद करा दिए गए हैं। कुल मिलाकर अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया है। पाबंदियों को सीधे सीधे लॉकडाउन कहने के बजाय उन्हें हल्का दिखाने के लिए नए शब्द गढ़े गए हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के शिकार सिर्फ चीन के स्थानीय लोग ही नहीं हुए हैं, जो टूरिस्ट चीन में फंस गए हैं उन पर भी शी जिनपिंग अक्सर जुल्म कर रहे हैं। जिन टूरिस्ट में कोरोना का केस मिलने के बाद उन्हें पकड़ा गया है, उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है, उन्हें छोटे छोटे कमरों में कैद कर दिया गया है। तो शी जिनपिंग की वापसी के साथ वापस आ गया है भयंकर वाला लॉकडाउन चाइना में। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।